अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप देख रहे हैं पाक देसी विलेज और मैं हूँ आपका दोस्त साजिद खान। तो कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप देख रहे होंगे जी, मेरे साथ पाकिस्तान की मुल्तान की मारूफ पर्सनैलिटी अली इमरान मुमताज़ साहब, जो बच्चों के अदीब हैं और दो मरतबा गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आए हुए। हमने जाना है कारी साहब के पास और मैंने घर भी जाना है। अली भाई के पीछे मेरा बैग भी आपको नज़र आ रहा है। तो हम अब जा रहे हैं अब्दुल्ला भाई के पास। हमने कहा जी काफ़ी दिन हो गए, हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज चलें गपशप कहीं कर लेते हैं। तो अभी हमने जाना है कारी साहब के पास, वहाँ नमाज पढ़नी है। उसके बाद हम लोगों ने उम्मीद है कि वो है तो मौलवी, कोशिश करेंगे कि उससे खाना खा सकें और वो भी आपको दिखा दें कि नहीं। अली भाई ऐसा है ना? बिल्कुल सही कहा जी, इंशाल्लाह खाना भी खाएंगे, इंशाल्लाह हम खाना भी खाएंगे, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। देखें जी दोस्तों, हमने कारी साहब को मस्जिद के बाहर पकड़ लिया, अभी नमाज जुम्मा पढ़ लिए, तो अब हम जा रहे हैं। देखें जी, उम्मीद पूरी पूरी ये खाना खिलाएंगे। है तो शेख, फिर भी ट्राई करते हैं, देख दिखाते हैं आपको अभी 5 मिनट बाद। अगर लेग पीस हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हमारे मटन कढ़ाई हो तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इमरान भी कह रहे हैं लेग पीस आपकी तो खुदा का नाम है, उम्र है लेग पीस खाने की, बाकी कढ़ाई का देखते हैं, जो भी होता है वो आपको खाना भी शेयर करते हैं। देखें जी, हमने कारी साहब को लूट लिया है, उठा लो उंगली, कुछ नहीं होता। ये देखें जी, ये कारी साहब। बाकी हम खाना खा लें, फिर इनसे गपशप लगाते हैं, इंशाल्लाह वो आपको भी सुनाते हैं। अब खाने को फाइनली जी, हम खाना खा के कारी साहब से, आप देखें कारी साहब मुँह छुपाए बैठे हैं, पैसे भर बैठे हैं। तो कारी साहब से हमने खाना खाया, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कारी साहब ने अब हमें आज खुशी में खाना खिलाया है। तो वो खुशी क्या है? खुशी ये है कि जी भाभी ससुराल गई हुई है जी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि भाभी हमारी सब्सक्राइबर है, वो वीडियो लाजमी देखती हैं। चलें जी, अब्दुल्ला भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आपने किस खुशी में खाना खिलाया? चलें आप अपनी जबानी बता दें। मैंने इस खुशी में खिलाया है कि आप दोस्त मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे खुशी हुई कि दोस्तों के आने से ही घरों की, अपने माहौल और माशरे की रौनक बढ़ती है, और यही खूबसूरती है एक माशरे की, एक समाज की। एक और हमारी रिवायत है, आप खुद बलोच साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहसियत इंसान मुसलमान, और फिर सबसे कारी साहब आप देखें, आप हमें पता है कि आज आप जुम्मा पढ़ा के आए, हमें कोई भाषण ना दें, कोई बात बताएं। ये आपके आने की खुशी में थी। चले जी, अली इमरान साहब आप तो मेहमान थे, उसके बावजूद भी आपने 200 रुपये भरा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अब्दुल्ला भाई ने खाना खिलाया, 200 रुपये मैंने भरा, ये तो गलत चीज़ थी, लेकिन कोई बात नहीं, यूँ समझ लें कि ये अब्दुल्ला भाई की तरफ से 200 रुपये दी। तो आप अपने ईमान से बताएं, यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो चाय के पैसे कौन भरेगा? आप दोनों चाय के पैसे कौन भरेगा? चाय के पैसे साजिद बलोच साहब ने भरने हैं, और चाय भी भरी, टॉप टॉप जबरदस्त किस्म की चाय मंगवाई है इन्होंने, अभी कुछ देर में आने वाली है। साजिद बलोच साहब अभी रिकॉर्ड है ना, जिस तरह ये पैसे बटोर लेते हैं और बड़े बन जाते हैं यूट्यूब पे, ये भी देखे जी, आपकी एक कला है खास किस्म की। उसने कहा कि सवाल किया फ्रीलांसिंग के हवाले से, आजकल सबसे ज्यादा यूथ के अंदर जो चीज चल रही है ना बलोच साहब जी, वो ये है कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, उसके जरिए क्या क्या कमाने के ट्रिक्स हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं यूट्यूब के जरिए आपसे मैंने फ्री में खाना खाया? बात सुने, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसने कहा मैं उस्ताद से पूछा जो फ्रीलांसिंग सिखाता था, उससे शागिर्द ने पूछा कि मैं ना लड़की बन के लोगों से पैसे बटोरता हूँ, क्या ये भी फ्रीलांसिंग है या नहीं है? तो बहरहाल जो आपका फ्रीलांसिंग वाला स्टाइल है ना, पहले पैसे इकट्ठे कर देना सबसे, और फिर उसका बिल जाके भरना, फिर उसमें से जो बकाया है उसका हिसाब किताब करना, ये वाली जो फ्रीलांसिंग है। दोस्तों हम चाय के जो है ना, आप उस फ्रीलांसिंग से पियेंगे। देखिए जी, हुआ यूं है कि पैसे निकाले, अली भाई ने भी 1000 रुपये निकाल दिए, उन्होंने भी 1000 रुपये निकाल दिए, तो मैंने दोनों से रख लिए पैसे। तो देखिए इसमें मेरा दोस्तों ये देखें आज ही आज का था हमारा सिर्फ अब्दुल्ला भाई के साथ गपशप थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।